लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। क्या बात है पूजा, मुझे जिंदा देख के तुम हैरान हो रही हो। तुम्हें तो जिंदा होने का वहम है, लेकिन तुम वो विजय नहीं हो सकते जिसकी मौत की खबर सुनकर मैं खुद अपने आप को मुर्दा समझने लगी थी। तुम्हारे पास उस विजय का शरीर जरूर है, मगर उसकी आत्मा नहीं, क्योंकि उसकी आत्मा इतनी घिनौनी नहीं हो सकती जितने कि तुम खुद हो। तुम ठीक कहती हो, मैं घिनौना हूं, मगर क्यों? क्योंकि तुम अपनी आंखों की शर्म खो बैठी हो। मेरी मौत की खबर सुनने वाली वो महान औरत जो अपने आप को मुर्दा कह रही है, क्या वो ये भूल गई कि मुर्दे को कफन पहनाया जाता, शादी का जोड़ा नहीं? हमारे समाज में अगर किसी रिश्तेदार की मौत हो जाए तो कुछ दिन तक खुशियां मनाई नहीं जाती, मगर ये महान औरत शादी के मंडप में जा बैठी। शर्म नहीं आई तुम्हें? क्यों, एतबार नहीं था मुझ पे? हाँ, वो प्यार वो मोहब्बत सब कुछ झूठ था। गिन मुझ में नहीं, गिन तुम में है। गिनौना तुम्हारा वजूद है। कह चुके जो कहना था, या भी कुछ बाकी है कहने को? अगर बाकी है तो वो भी कह दो, मैं भी तो देखूं तुम्हारे दिलो दिमाग में कितना जहर भरा हुआ है। तुम कहना क्या चाहती हो? मैं जो कुछ कह रहा हूँ सब झूठ है, बकवास है, उसका कोई मतलब नहीं। हाँ हाँ, बकवास है, कोई मतलब नहीं है। और जो मतलब तुम निकाल रहे हो वो सिर्फ इसलिए कि तुम एक मर्द हो जो पाप तो करता है, जिसका बोझ सिर्फ एक औरत उठाती है। मैं भी ऐसे ही बोझ से दबी एक मुर्दा औरत थी, जिसे अमर ने सिर्फ दुल्हन ही नहीं बनाया बल्कि एक ऐसी शक्ति भी दी जिसे आज मैं अपने आप को जिंदा महसूस करती हूँ। वाह पूजा वाह, सही भारतीय नारी हो तुम। अपने पति की छवि बनाने के लिए तुम कुछ भी कर सकती हो, चाहे वो कितना भी नीच और कमीना आदमी क्यों ना हो। खबरदार, अगर अमर के खिलाफ, अरे वो किसी को क्या जीवन शक्ति देगा जो अपनी खुशी पाने के लिए किसी की भी जिंदगी से खिलवाड़ कर सकता है? वो क्या किसी को जीवन शक्ति देगा? उसने तुम्हें पाने के लिए मुझे मार डालने की कोशिश की, वो तो मेरा नसीब अच्छा था जो मैं बच गया। लेकिन पूजा, उसे तो भगवान भी नहीं बचा सकता। पागल हो गया तो? हाँ, मैं पागल हो गया हूँ, पागल हो गया हूँ। मैं जल रहा हूँ अपनी आग में, मगर इस आग में मुझे जलाया किसने? तुम्हारे अमर ने। मुझे मौत के घाट किसने उतारने की कोशिश की? तुम्हारे अमर ने। मेरी मोहब्बत को छीनने की कोशिश किसने की? तुम्हारे अमर ने। मुझे विजय से देवा किसने बनाया? तुम्हारे अमर ने। खत्म कर दूंगा उसे और उसकी औलाद को मैं। तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैं ऐसा ही करूंगा। तो जाओ, खत्म कर दो उस निशानी को जो हम दोनों के प्यार का सबूत है। क्या मतलब? मैं सच कह रही हूं राहुल, तुम्हारा बेटा है, तुम्हारा अपना खून। पूजा तुम झूठ बोल रही हो। नहीं, और जिस अमर को तुम अपना हत्यारा समझ रहे हो उसे तो खबर तक नहीं थी कि तुम्हारी हत्या का जाल किसने बिछाया है। क्या? हाँ, शक तो मुझे भी हुआ था, मगर फिर मालूम पड़ा कि वो बेकसूर है। आज अगर अमर नहीं होता तो तुम्हारी मौत की खबर सुनकर या तो मैं आत्महत्या कर लेती, या फिर इस समाज की किसी बदनाम गली में एक ऐसी जिंदगी गुजार रही होती जिसके बारे में सोचकर मेरी रूह कांप उठती है। अमर ने सिर्फ मुझे एक नई जिंदगी नहीं दी है, तुम्हारे बच्चे को उसने अपना नाम देकर उसे समाज में इज्जत से जीने का हक दिया है। और तुम ऐसे देवता समान आदमी को खत्म कर देना चाहते हो? ये अनजाने में मैंने क्या कर दिया? अपने रखवाले को अपना हथियार समझ बैठा। लेकिन पूजा, मेरी मौत की साजिश चली किसने थी फिर? मेरे डैडी की।
मगर क्यों? हमारी शादी के लिए अमर ने उन्हें मना तो लिया, मगर वो अपना पुराना वादा भूल नहीं पाए, इसलिए उन्होंने बस पूजा, तुम्हारी ये सब बातें सुनकर मुझे अपने आप से नफरत होने लगी है। वक्त बहुत कम है, सुबह होने से पहले मुझे वहां पहुंचना पड़ेगा। विजय मेरी बात तो सुनो। भतीजे मैं भी आ गया हूं। विजय कहां है? मेरा बच्चा कहां है कैलाशनाथ? मिल जाएगा। औलाद की फिक्र में अपना रिश्ता भी भूल गए? आखिर मैं तुम्हारा चाचा हूं बेटे। तुम जैसे कमीने इंसान किसी के भी चाचा नहीं हो सकते। हाँ बिल्कुल, अपने बाप की तरफ बेवकूफ, अड़ियल और जिद्दी हो। मैं उसे गले लगाने को तरसता रहा और वो भगवान के गले लग गया, मेरे गले लगने को राजी। मुझे तुम्हारी बकवास नहीं सुननी, मेरा बच्चा मेरे हवाले कर दो। राहुल चुप। कैलाशनाथ, अगर मेरे बच्चे को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आहिस्ते भतीजे, आहिस्ता। तुमने अपने बाप की मौत अपनी आंखों से देखी थी, अब तुम्हारी औलाद को भी अपने बाप की मौत अपनी आंखों से देखने दो। बाद में तुम्हारी औलाद कुछ भी देखने के लिए जिंदा नहीं बचेगी, क्योंकि उसे मैं भगवान के पास पहुंचा दूंगा और बाद में न तुम्हारे घर में कोई वारिस होगा और ना ही लावारिस। अरे मत मार यार। अरे भतीजे, मैंने कहा ना, मैं बहुत शांत प्रिय आदमी हूं। ये शोर शराबा मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अपना तो सिद्धांत है, शांत से जियो और शांति से लुढ़क जाओ। अब ये बताओ कि जाने से पहले अपने चाचा का आशीर्वाद लोगे या नहीं? भतीजे। अमर, अब तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। Thank you.
और मेरी बात सुनो, कुछ भी हो जाए मगर तुम यहां से मत हिलना, ओके? शाबाश बलराज, आज मुझे यकीन हो गया कि तुम मेरी औलाद हो। अमर कैलाशनाथ, मुझे मालूम था तुम हमसे होशियारी जरूर करोगे। जो आदमी विजय से देवा बन सकता है उसको देवा से विजय बनने में कितना टाइम लगेगा, सिर्फ मुछ ही बदलने का ना। बलराज तुम बेटे को जरा घुमाओ फिराओ, मैं इसको घुमाता फिराता हूं। कैलाशनाथ, तुम कितना भी तांडव कर लो प्रलय नहीं ला सकते, लेकिन दया शंकर जब चाहे प्रलय ला सकता है। ये तो सिर्फ दया शंकर की ही दया है कि तुम अभी तक सलामत हो, लेकिन एक छोटे बच्चे को मोरा बनाकर तुमने जो घिनौनी हरकत की है उसके लिए तुम्हें अपनी बची हुई जिंदगी से भी हाथ धोना पड़ेगा। नामुमकिन। मिश्रा, तुम अभी तक जिंदा हो? हाँ दयाशंकर, मैं अभी तक जिंदा हूं। पहले तो विजय को मरवाने की चाल चली तुमने मेरे साथ, और जब विजय के डर से मैंने तुम्हें फोन किया तो तुमने मदद के रूप में मुझे मौत दे दी। अरे तुमसे अच्छा तो तुम्हारा दुश्मन कैलाशनाथ है, जिसने अपने दुश्मन के आदमी को भी दोस्त कहा और मुझे सहारा दिया। का बहुत शौक है ना तेरे को, अब देख मैं तेरे को कैसे घुमाता हूं। आओ बेटा, मुझे मेरे डैडी के पास जाना है। बेटा मैं तुम्हारा डैडी हूँ। मुझे मेरी डैडी चाहिए। बेटा मैं तुम्हारा डैडी हूँ। आप नहीं, मुझे मेरी डैडी चाहिए। अच्छा हो, मैं तुम्हें तुम्हारे डैडी के पास ले चलता हूँ। बच्चे तुम ठीक तो हो ना? हाँ डैडी। आंखों में आंसू नहीं देख सकता,
मैं हमेशा तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ पूजा। बेटे तुम्हें कुछ नहीं होगा। अमर मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले चलता हूँ। विजय मैं तुम्हें तुम्हारा प्यार तुम्हारी अमानत लौटा रहा हूँ। अमर मुझे माफ कर दो। मैं अपनी कीमत बहुत शर्मिंदा हूँ। दोष तुम्हारा नहीं है विजय, दोष तो किस्मत का है। तुम्हें तुम्हारा विजय मिल गया, आज मेरी आरजू पूरी हुई। तुम्हें कुछ नहीं होगा अमर। क्या तुम अपने बचपन के साथी को रोते हुए विदा करोगी? नहीं अमर, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। पूजा, अमर स्टैच्यू, तुम मेरे बचपन के साथी हो। जीवन के सफर में हर कदम पर मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। अमर, बीच सफर में मुझे छोड़कर तुम नहीं जा सकते। रिलीज, 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 अमर रिलीज, अमर, अमर। बेटी, अमर, मैंने तो सिर्फ पूजा से प्यार किया है। तुमने तो पूजा की वो पूजा की है जिसके सामने फरिश्ते भी अपना सर झुका लें।